फिर आ जाता है हमारे पास डैम। ठीक है, पाकिस्तान में तीन बड़े डैम मंगला, बरसक, तरबेला के मकामात पर हैं, जो बिजली पैदा करने के साथ साथ आपाशी के मसाइल भी हल करते हैं। फिर आ जाती हैं पाकिस्तान में पैदा होने वाली फसलें। तो पाकिस्तान में जो फसलें पैदा होती हैं, ठीक है, वो उनमें सबसे पहले है गंदम। ये एक अहम फसल है और पाकिस्तान में तकरीबन तमाम लोगों की गज़ा है। ये गज़ाई फसल पाकिस्तान के तमाम सूबों में काश्त की जाती है। नहरी ज़मीनों पर काश्त की जाती है, बारानी ज़मीनों पर भी काश्त की जाती है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा होती है। चावल ये एक अहम गज़ाई और नकदावर फसल है। ये मुल्की ज़रूरत पूरी करने के अलावा बरामद भी किया जाता है। पाकिस्तान में दुनिया का अच्छी किस्म का चावल पैदा होता है। चावल की काश्त के लिए गर्म मरतूब आबो हवा की ज़रूरत होती है। ये ज़्यादातर पंजाब और सिंध के इलाकों में, शुमाली पहाड़ी इलाकों में काश्त किया जाता है। कपास इंतई अहम फसल और ज़र मुबादला का एक अहम ज़रिया है। ये जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में और सिंध में पैदा की जाती है। फिर आ जाता है गन्ना। तो गन्ने की फसल इलाकों में काश्त की जाती है जहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा हो और पानी भी ज़्यादा हो। ये पंजाब के वसी इलाके सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होता है। ज्वार अहम इंसानी फसल, खुराक जानवरों के लिए चारा और खुदनी तेल के लिए इस्तेमाल होती है। ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, हज़ारा के पहाड़ी इलाकों और आज़ाद कश्मीर में कसरत से पैदा होता है। तंबाकू अहम नकदावर फसल है। इसकी पैदावार 25% पंजाब और 75% खैबर पख्तूनख्वा में होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की दालें यानी चना, मसूर, मूंग, माश वगैरह